Hello everyone. In this video, we are going to solve the remaining question of the exercise 11.2 similarity from the class 10th standard RBSE syllabus. अब देखो इसमें अपन ने 4-5 questions approximately solve कर लिया था. Up to the fourth question we have solved. Now I'm starting from the question number 5th. This is the exercise 11.2 and question number 5th, which is a structure is given this is a point A, B, C, D, E, F, it is joined with this one and this one joined with the this one. This is the point F. And in देखो जो दे रखा हूँ मैं pronounce करता हूँ. In this structure DE parallel to BC. DE parallel to BC means ये इसके parallel है. Second case CD parallel to EF. CD parallel to EF. These both are parallel and these both are parallel. To prove हमें जो prove करना है तो सबसे पहले तो मैं मेंशन कर देता हूं गिवन दैट क्या दे रखा. देखो इन ट्राइंगल एबीसी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इन ट्राइंगल एबीसी सीडी पैरेलल टू ईएफ एंड डीई पैरेलल टू बीसी these two things are given and we have to prove AD square is equals to AB into AF. ये हमें प्रूव करना है. चलिए फिर करते हैं स्टार्ट. देखो प्रूफ में बात करें you can check from this triangle DE parallel to BC, then using the Thales theorem we can say that AD upon DB is equals to AE upon EC. Clear baat yahan tak? From triangle ABC kya bol sakte hain apan, AD upon DB is equals to AE upon EC. This is the equation number first and reason it using Thales theorem or BPT. बात समझ में आई यहां तक. अपने क्या किया देखो ये ट्राइंगल सेलेक्ट किया इसमें DE is parallel to BC. Then we can say that AD upon DB is equals to AE upon EC. Ratio equal होगा यदि लाइन पैरेलल होंगी तो. अब ये ट्राइंगल सेलेक्ट कर लो क्योंकि ये भी दोनों पैरेलल है. अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ADC, ADC, FE is parallel to DC. We have already mentioned here. ये FE है. FE parallel to BC. FE parallel to अच्छा दूसरे वाला लिख दिया क्या मैंने? ये तो था ही ना? ये DE है. EF parallel to CD, then AF upon FD. AF upon FD is equals to AE upon EC. AE upon EC. वापस एक्सप्लेन करूं तो देखो ये इसके पैरेलल है तो ये रेशियो और ये रेशियो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड अगेन फ्रॉम बीपीटी. क्लियर है यहां तक. अब देखो ये AE upon EC AE upon EC both are equal. So from equation first and second we can say that AD upon DB is equals to AF upon FD. क्लियर है बात यहां तक. लेकिन हमें प्रूव करना है AD square मतलब FD की जगह क्या आना चाहिए AD आना चाहिए.
अब देखो एफ डी को ए डी में, एफ डी को ए डी में कैसे कन्वर्ट करें। चलो देखो एफ डी को अपन लिख सकते हैं ए डी माइनस ए एफ लिखा जा सकता है, एफ डी इज इक्वल्स टू ए डी माइनस, तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ लिया है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन और यहाँ पर भी देखो अपन को चाहिए डी बी की जगह भी क्या चाहिए हमें, मीन्स क्लियरली हमें क्या क्या चाहिए, एक बार मैं वापस रिज करता हूँ। देखो ए एफ ये ठीक है चलेगा, ए डी हमें चाहिए, डी बी भी नहीं चाहिए और एफ डी भी नहीं चाहिए, तो डी बी की जगह पे तो क्या चाहिए, एफ डी की जगह पे तो चाहिए हमें ए डी, क्योंकि यहाँ पे ए डी आएगा तब ए डी स्क्वायर बनेगा, ए एफ यहाँ से और इसकी जगह पे चाहिए ए बी, तो इसको ए बी में कन्वर्ट करते हैं। ए डी अपॉन डी बी को अपन लिख सकते हैं, डी बी को ए बी में कन्वर्ट करें तो ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ डी, एफ डी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ए डी में, देन ए डी माइनस ए एफ, ए डी में से ए एफ माइनस करेंगे तो एफ डी बचेगा, देन ए डी माइनस ए एफ, रेसिप्रोकल कर दो इससे कैंसिल हो जाएगा कुछ, ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन सॉरी ए डी माइनस ए एफ अपॉन ए एफ, सेपरेट कर दो डेनोमिनेटर, ए बी अपॉन ए डी माइनस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एफ माइनस ए एफ अपॉन ए एफ, ये से कैंसिल हुआ, ये से कैंसिल, वन यहाँ पे बचा, वन यहाँ पे बचा, ए बी अपॉन ए डी माइनस वन इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एफ, ए डी अपॉन ए एफ माइनस वन, ये कैंसिल हुआ, जो रिजल्ट है ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ए डी इंटू ए डी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ, दैट्स वी हैव टू प्रूव। बात समझ में आई यहाँ तक, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, पहले तो कंप्लीट ट्राइंगल में थ्योरम अप्लाई करी एंड देन आई अप्लाइड द थ्योरम इन दिस ट्राइंगल ए डी सी एंड आफ्टर आई मेक रिलेशन बिटवीन दिस बोथ, और फिर बाद में मैंने जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने वैल्यूज को कन्वर्ट किया, जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया, आफ्टर मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई और ये हमें रिजल्ट मिल गया। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बट बिफोर इट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज ए स्ट्रक्चर इज गिवन विच इज लाइक दिस, ए बी सी डी एंड दिस इज द पॉइंट ई एंड इट इज द पॉइंट एफ, इन सच ए वे दैट ई एफ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ए बी, मीन्स ऑल आर म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है यहां तक, देन प्रूव दैट, जो भी प्रूव करना, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, given that according to the structure AB parallel to EF and EF parallel to DC, ये हमें क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है AE upon AD is equals to AE upon AD is equals to बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करने वाले वैल्यू मिली। नाउ कंस्ट्रक्शन, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी क्योंकि पैरेलल का केस तो दे दिया, बीपीटी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, बट बीपीटी इज नॉट पॉसिबल इन ए क्वाड्रिलेटरल, बीपीटी इज ओनली पॉसिबल इन ए ट्राइंगल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट और टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल वी नीड ए कंस्ट्रक्शन।
अब मैं या तो इसको इससे ज्वाइन करवा दो या फिर इसको इससे ज्वाइन करवा दो। मैंने ये ज्वाइन करवा दिया और ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ जी ले लिया सपोज ज्वाइन ए एंड सी, ज्वाइन ए सी विच इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट्स ई एफ एट पॉइंट जी। क्लियर बात यहां तक? मैंने क्या करवाया, ए सी को ज्वाइन करवाया जो ई एफ को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा रही है, जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा रही है, ये अपनी कंस्ट्रक्शन हुई। अब हम बात करते हैं प्रूफ। प्रूफ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलेक्टिंग दिस वन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, इन दिस ट्रायंगल इज ई पैरेलल टू डी सी, हियर इज ई पैरेलल टू डी सी। इजी डी सी के पैरेलल है तो अपन ये बोल सकते हैं ए ए अपॉन इजी ए डी, देन ए अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी। क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यह आया अपना फ्रॉम बी पी टी, हमने बी पी टी अप्लाई किया यहां पे। अब सेकंड केस यहां से देखो, इस ट्रायंगल में ये वाली इसके पैरेलल, कौन सा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी बी ए और फ्रॉम ट्रायंगल From triangle ABC, ABC में देखो अब ये मिला हमें GF is parallel to AB, clear बात? Then CG upon GA, ध्यान से देखना उधर, CG upon GA is equals to CF upon FB, CF upon FB, got it? Now compare these both. अब देखो यहां पे AG upon CG है और ये है CG upon AG, तो इसको reciprocal कर रहा हूं, AG upon CG is equals to ये denominator becomes numerator, then here also FB upon CF. Let's suppose this is the equation number second. From equation first and second, these two parts are equal, then these also equal to each other. तो ये मिला हमें AE upon AD, AE upon AD is equals to FB upon FB upon CF. Now match AE upon AD is equals to FB or BF upon CF. चलो इसको adjust कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये होगा AE upon AD is equals to BF upon FC. That's we have proved. Clear है बात यहां तक? Now I'm starting the question number seventh. The given seventh question is ABCD is a parallelogram. हमें क्या दे रखा है? ABCD is a parallelogram. A, B, C and D. It means these both are parallel and equal, and these both are parallel and equal. Clear? P is any point on side BC. BC पे P कोई point है, इसको आगे produce करवाया, यहां इसके ऊपर P कोई point है. और parallelogram if DP and AB, DP and AB produced. DP ये गड़बड़ बोल दिया इसने, BC पे कोई पॉइंट है, अच्छा अच्छा BC पे कोई पॉइंट है, DP एंड AB को प्रोड्यूस करवाने पे, AB को यदि अपन प्रोड्यूस करवाएं और P इसके ऊपर ये कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है और DP को आगे प्रोड्यूस करवाएं, तो ये किसी एक पॉइंट L पे इंटरसेक्ट करती है, देन प्रूव दैट, जो भी हमें प्रूव करना है। तो यहां पे जो भी दे रखा हम पहले तो उसको मेंशन करते हैं, गिवन दैट ए
स्ट्रक्चर को वापस एक्सप्लेन करता हूं। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी पी लाइज ऑन बी सी, ए बी एंड डी बी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एल, ए बी एंड डी पी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एल। बात समझ में आई कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच पी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच ए वे दैट व्हेन वी विल प्रोड्यूस ए बी एंड डी पी देन दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट एल, देन वुड वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव जो भी हमें प्रूव करना है, टू स्टेप्स आर हियर। फर्स्ट डी पी अपॉन पी एल, डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी एल, डी सी अपॉन बी एल, एंड सेकेंड थिंग डी एल अपॉन डी पी, डी एल अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन डी सी, ए एल अपॉन डी सी। ऐसे हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रूव करने हैं। चलते हैं फिर प्रूफ में। प्रूफ जो जो हमें पैरेलल दे रहा, पहले तो देखो ये साइड इसके पैरेलल है तो मैं ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल एल ए डी। फ्रॉम ट्रायंगल एल ए डी बी पी पैरेलल टू ए डी, BP parallel to AD, then using the BPT, we can say that LB upon BA, LB upon BA is equals to LP upon PD, LP upon PD। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हमें यहां से मैच करते, देखो क्या क्या मैच हुआ, डी पी अपॉन पी एल ये मैच हो गया, डी सी अपॉन बी एल इसमें एल बी हो गया, चलो इसको करते हैं थोड़ा एडजस्ट। तो पहले ये ऊपर नीचे रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो ये हो जाएगा ए बी, ए बी अपॉन बी एल इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन पी एल, वो था सेम। अब हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना है, चेंज क्या करेंगे अपन, मैं पहले इसको लिख देता हूँ डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू, और क्या चाहिए हमें, बी एल, बी एल एज इट इज, ए बी किस जगह लाना है, सी डी, तो ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए बी किस जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी सी डी और डी सी, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, रीजन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, गॉट इट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, जो भी हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव, ये फर्स्ट हुआ अपना। अब बात करते हैं सेकेंड की, डी एल अपॉन डी पी, डी एल अपॉन डी पी, अब इसी में कोई ढूंढना होगा, डी पी ये रहा तो पी एल की जगह पे डी एल चाहिए, ए एल ए बी बी एल सी डी मतलब कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो मैं एक बार ये ले रहा। देखो इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन इक्वेशन एज इट इज, डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी एल, ठीक है, डी पी एंड सी डी ये यहाँ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है और यहाँ न्यूमरेटर में, तो रेसिप्रोकल कर दो, इससे क्या मिलेगा, देखो पी एल अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू बी एल अपॉन सी डी, क्लियर है। अब हमें ये मैच हो गया, हमें चाहिए डी एल, तो पी एल में क्या ऐड करें, पी एल प्लस डी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एल, तो हमें एक पार्ट से कंप्लीट लेंथ चाहिए, तो इस सिचुएशन में प्लस वन ऐड कर दो, ऑन एडिंग वन इन बोथ साइड्स, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो पी एल अपॉन डी पी
PL upon DP plus 1 is equals to BL upon CD plus 1. ठीक है यहां तक? LCM लेंगे तो आया LCM DP. PL plus DP is equals to CD. LCM हुआ BL plus CD. PL plus DP. PL plus DP is equals to DL. ये मिला हमें DL upon DP. This is L plus is equals to. और बस ये CD तो मैच हो गया. Remaining is BL plus CD. और इसकी जगह पे चाहिए हमें AL. और AL का मतलब होता है AB plus BL. AB plus BL है. अब CD की जगह पे AB चाहिए. तो CD is equals to AB है. CD is equals to AB. तो मतलब कि CD की जगह मैं AB mention कर सकता हूँ. तो यहाँ पे लिया अपन ने BL plus AB. तो रीजन लिख दो यहाँ पे. AB is equals to CD. वो जो एज इट इज मेंशन किया था. देन डी एल अपॉन डी पी इज इक्वल टू दिस विल बिकम ए बी अपॉन सी. ए बी नहीं, ए एल. ए बी प्लस बी एल. ए बी प्लस बी एल इज इक्वल टू ए एल, जो कि हमें प्रूव करना था. हेंस ट्रू. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. क्लियर है? आई होप सो यू अंडरस्टूड. सो प्लीज पोस्ट दिस एंड नोट इट डाउन.